पेज नंबर 24 पे जो टेस्ट क्यूअर सेल्स थे वो हल किए थे। जो दूसरा जमान टॉपिक है वो है 25 नंबर पेज पे टेस्ट क्यूअर सेल्स। दो सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है वो पूछ रहा है कि प्योर वाटर को हम 20 इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर क्यों करते हैं। तो इसकी वजह ये है कि प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है इतनी कैपेसिटी नहीं होती इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने की कि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। जो मॉलिक्यूल होते हैं और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। इस वजह से कहते हैं कि प्योर वाटर में से जो एसिडिटी होती है या बेसिसिटी होती है जिसमें साल्ट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। इस वजह से इसमें से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। और अब दूसरा जो सवाल था हमारा था पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कुछ जो है एलिमेंट या सब्सटेंस दिए गए थे जिसमें पीएच वैल्यू हमें मालूम करना था। जैसे कि हमारे पास लेमन जूस था, लेमन जूस की जो पीएच वैल्यू है वो 2.3 है और सोडा वाटर की 3.8 और हमारे पास ब्लैक कॉफ़ी की है 5.0 और मिल्क की जो पीएच वैल्यू है वो 3.6.3 से लेके 6.6 तक है। अब वाशिंग सोडा की जो पीएच वैल्यू है वो है 12। अब आपका सवाल होगा कि सर पीएच जैसे कि पीएच हमने पढ़ा था पीएच एक स्केल होती है जो किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू मालूम करती है यानी सब्सटेंस की जो एसिडिटी या बेसिसिटी होती है वो उसमें मालूम की जाती है। अब कि जो सब्सटेंस है हमारे पास इनकी जो नोइयत होती है वो क्या होती है। जैसे कि हमने पीएच स्केल पढ़ा था वहाँ 0 से लेके 14 तक। अब 0 से लेके जो 6 तक थे वो सब क्या थे सब ही एसिड थे और जो 7 पे पीएच वैल्यू आएगा तो हम समझेंगे ये न्यूट्रल है। अगर 8 से लेके 14 तक ये सब क्या है बेस है। अब जैसे कि ये आपने समझा फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इस लेक्चर में कि पीएच वैल्यू जब 0 से लेके 4 तक होगी ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और जो हमारे पास आते हैं 6, 7, 8 से लेके जो 10 तक हैं वो हमारे पास वीक बेस होंगे। जो 10 से लेके 14 तक होंगे वो हमारे पास क्या होंगे स्ट्रांग बेस होंगे। इस तरह से हमने पीएच वैल्यू पहले डिस्कस की थी। अब जो टेस्ट पेपर सेल के सवाल आए तो हमने कहा तो इसको हम क्या करें क्लियर कर लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है।